आप जो हमारी माताएं बहने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहने जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। लेकिन मैं यहां से हिंदुस्तान भर से जो प्रवासी आते हैं, जो यात्री आते हैं, जो एडवेंचर के लिए आते हैं, जो श्रद्धा के लिए किसी भी तरीके से क्यों ना आते हो, एक जीवन में व्रत बनाइए कि आप यात्रा में जितना खर्चा करते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा करते होंगे, खाने के पीछे खर्चा करते होंगे, बड़ी होटल में रहने के लिए खर्चा करते होंगे, आप मन में एक व्रत बनाइए, मैं सभी 130 करोड़ देशवासियों को हिंदुस्तान के उस गांव से बता रहा हूं जो चीन के सीमा पर, भारत का ये सीमा पर रखवाली करने वाले गांव के बीच से बोल रहा हूं, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, आप जहां भी जाएं यात्रा करने के लिए, इस कठिन क्षेत्र में आए या पुरी चले जाए या कन्याकुमारी चले जाए या सोमनाथ चले, कहीं पर भी जाए, एक संकल्प कीजिए, जैसे मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं ना, मैं आज एक और संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूं और देशवासियों को प्रार्थना करना, ये तो मेरा हक बनता है जी। मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, प्रार्थना तो कर सकता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, आप जितना खर्चा करते हैं तय कीजिए कम से कम 5% जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा उसमें 5%, अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपके घर में है तो दूसरा लेके जाइए, किसी को भेंट दे दीजिए, लेकिन वहां से जरूर लेके जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माताएं बहनें कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए, मैंने कहा कितनी बिक्री हुई, तो जरा पहले तो शर्मा गए बताते बताते, मैंने कहा नहीं नहीं बताइए बताइए, फिर उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपये का बिक गया इस बार, उनको इतना संतोष था। अगर सब यात्री, सभी प्रवासी जहां जाए वहां स्थानीय जो गरीब लोग पैदा करते हैं वैसी स्थानीय बनी हुई चीज 5% बजट ये जोड़ दीजिए, आप देखिए आपको जीवन में संतोष होगा और घर में रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि देखिए हमने उस साल जब उत्तराखंड गए थे ना, ये तस्वीर तो तुझे अच्छी लगती है, उस तस्वीर के पीछे तो हमने 20 रुपया खर्च किया है, लेकिन ये जो छोटी चीज दिखती है ना, वहां की एक बूढ़ी माँ बना रही थी, मैं उससे लेकर के आया था। आपको आनंद होगा, आपको संतोष होगा, इसलिए मैं आज यहां से पूरे देश को प्रार्थना कर रहा हूं।